9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, भारत रत्न के लिए मोदी सरकार ने तीन और नामों की घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट कर कहा, हमारी सरकार का यही सौभाग्य है कि देश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से जयंत गदगद हुए। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी का जताया विशेष आभार, बोले आज मैं किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया। पीएम देश की मूल भावना समझते हैं। चौधरी अजीत सिंह का अधूरा सपना पूरा हुआ, ये सिर्फ हमारी नहीं सबकी जीत है। एनडीए में जाने के सवाल को लेकर बोले जयंत, भारत रत्न के फैसले को गठबंधन से ना जोड़े, चुनावी फैसला कहने वालों की आलोचना करता हूं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी आरएलडी के बीच गठबंधन तय, आरएलडी को 2 लोकसभा सीट दे सकती है बीजेपी, आरएलडी को बिजनौर बागपत सीट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बागपत से जयंत की पत्नी चुलांद लड़ सकती हैं, वहीं राज्यसभा चुनाव में 8वीं सीट आरएलडी को मिल सकती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दादा को यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, हम लोगों ने और खुद मुलायम सिंह यादव जी ये मांग काफी दिनों से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं। जयंत के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा दावा, बोले जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे, चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी, हमें उम्मीद जयंत भी किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा, वित्त मंत्री ने कहा यूपीए कार्यकाल में हो भ्रष्टाचार को सुनने की क्षमता रखे विपक्ष। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला जोरदार हमला, कहा काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे, देश को जानने का अधिकार, कैसे देश को डुबोने का काम किया गया। संसद में पेश हुए श्वेत पत्र पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव, कहा सरकार को लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, कहानियों के आधार पर लोगों को गुमराह करना मकसद है। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किए व्हिप, 3 लाइन के व्हिप में बीजेपी ने 10 फरवरी को राज्यसभा सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी है कि एनडीए में वापस लौटेगा अकाली दल, लोकसभा की 13 सीटों में से 8 पर अकाली दल और 5 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख रुपए का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। राहुल गांधी ने कहा कि वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते, कागजी और चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाकर घिरे राहुल गांधी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने की माफी की मांग, राहुल ने कहा ओबीसी नहीं बल्कि सामान्य वर्ग में जन्मे हैं पीएम। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली में आएगी वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम, गलत पानी के बिल की समस्या से मिलेगा छुटकारा, पीएम केजरीवाल ने दिया आदेश, जल्द आएगा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद की कैंटीन में लंच किया, पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के साथ 5 अन्य सांसद भी मौजूद थे। पीएम मोदी के साथ कैंटीन में जाने वाले अन्य मंत्रियों में शोभा करांजले, समित पात्रा, प्रेम चंद्रन, हिना गावित और जामयांग थे। लंच के दौरान देश के विभिन्न कोने के सांसद भी उनके साथ नजर आए। नौकरी के बदले जमीन मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा को कोर्ट से राहत, 1-1 लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर चुटकुली कहा, जो खेला होना था हो गया, आरजेडी की हालत ऐसी है कि रस्सी जल गई लेकिन एटम नहीं गई है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर कानून व्यवस्था पर सीएम धामी ने की बैठक, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ सीएम ने मीटिंग कर एडीजी को घटनास्थल पर कैंप के निर्देश दिए। हिंसा के बाद हल्द्वानी में लगाया गया कर्फ्यू, आज भी जारी है, पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया, स्कूल आज बंद रहे।